पहला तो आपका और हमारा फेवरेट नल्ली वाला पीस, माल है। तो सबसे पहले जो है आज आपको मौसम दिखाने का कारण ये है कि जो मौसम देख के आपको भी थोड़ा मन करे कुछ गर्मा गर्म खाने का, और गर्मा गर्म में अगर आपको जो है समझ रहे हैं ना मटन चावल मिल जाए खाने को तो बात ही क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक नए वीडियो में। तो अभी हम जिस जगह पे हैं, ये जो जगह है ये है आपका रातू, और इस जगह का जो है प्रॉपर एड्रेस जानेंगे शॉप के ओनर से, साथ ही साथ जो इस जगह का गूगल मैप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि इतने सुबह सुबह जो है क्या कुछ अंदर चल रहा है, किस तरह से जो है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो रखा है, और मेन मटन बनाया कैसे जाता है। तो यही है वो होटल जहाँ पे आज हम आए हुए हैं, और इस होटल का नाम है आपका बहिरा होटल। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा बट नाम यही है। तो ये चेक करो, ये है इनका सेटिंग का एरिया जहाँ पे आपको लाइन से कुर्सी टेबल लगा हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के यहाँ का मटन और चावल इंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे इस साइड पे है इनका किचन का एरिया। और मेरे को सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा कि यहाँ पे जो है ना आपका सारा खाना बिल्कुल लकड़ी के आँच पे बनाया जाता है, जो हमारे को पसंद है, जो आपको पसंद है देसी तरीका बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। और इस साइड पे जो है ना अपने को बचपन याद दिलाने वाला चीज़ है, इसको जो है जनरली हम लोग तो बचपन में पॉपी बोलते थे। और साथ ही साथ आपको मटन में जो है ना खाने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है चटनी, ये चटनी है बादाम और चना का। और इस साइड पे जो आप देख रहे हो ना चढ़ा हुआ, तो हम थोड़ा सा लेट हो गया, 7:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, फिर भी जो है डेग चढ़ चुका था, बट ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं हो रखा है इसमें। सिर्फ जो है सरसों का तेल डाल के फ़ौरन मारा गया, उसमें जो है प्याज डाला गया और उसको पानी देके अभी गलाया जा रहा है। तो अभी जो है पूरा प्रोसेस बाकी है मटन बनने का, तो वो सारा प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई इस साइड पर जो अपना प्याज वगैरह डाला गया था ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर गल चुका है, मतलब कि जो प्याज था उसका नामो निशान मिट चुका है, और अब जो है इसमें मटन डाला जा रहा है। तो अभी अपना जो भी मटन आया हुआ था वो सारा जो है इसमें डाल दिया गया है, और अभी जो है इसको काफ़ी टाइम तक इसको ऐसे ही पकाया जाएगा, क्योंकि अभी प्याज वगैरह का जो पानी है थोड़ा वो अभी और गलना बाकी है। मटन अभी डाला गया तो उसका भी एक अपना पानी छूटेगा, तो उसको भी जो है और प्याज के पानी को एक साथ पूरा सुखाया जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है अपना प्याज अच्छे तरीके से गल चुका था, और उसमें जो है मटन भी डाल दिया गया, और अब जो है इसमें एक मसाला का पाउडर यूज किया जा रहा है। तो ये है वो डिब्बे जिसके अंदर आपको मसाला दिख रहा होगा, तो भैया से जानेंगे क्या मसाला है भैया वो जो डाल रहे हैं भैया। गोलकी है, सिर्फ गोलकी का पाउडर है। हाँ। ओके, तो अभी गोलकी का पाउडर डल गया, अभी और बैक टू बैक सारा मसाला डाल देंगे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं जाएगा, अच्छा लगातार मसाला जाएगा है ना। चलिए, तो गोलकी का पाउडर गया, और उसके बाद जो है इधर पे अपना जा रहा है जीरा का पाउडर। तो ये जो गोलकी डाले हैं, गोलकी काफी मोटा मोटा दिख रहा था, मतलब खुद का कुचा हुआ है क्या? हाँ। तो देख के लग रहा था गाइस कि मतलब मसाला जो है घर का बना हुआ है, और घर के मसाले जब यूज होते हैं तो भाई उसका स्वाद का बात ही अलग होता है। तो जीरा पाउडर भी पड़ चुका है, और उसके बाद एक और पाउडर यहाँ पे, ये आई थिंक धनिया है? नहीं, मिक्स है। अच्छा, मिक्स मसाला है। ओके, तो ये मिक्स मसाला ये भी खुद से बनाया हुआ रहता है? बहुत अच्छी, तो मतलब लगता है मार्केट का मसाला जो पैकेट वाला होता है उससे परहेज करते हैं ना, सब अपना डालते हैं। एक बार थोड़ा चम्मच में डालने से पहले दिखाइए तो मसाले वाला। हाँ, एक मिनट खाली बस। तो भाई जी ये देखो मसाला, ये है मिर्च, मतलब कि पूरा दरदरा, और इस तरह का है ना जनरली फुचके वाले लोग यूज करते हैं ताकि एक बढ़िया सा स्वाद है, बट वो लोग भी आजकल कहाँ यूज करते हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। बट यहाँ पे मेरे को ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया सारा मसाला जो है खुद का बनाया हुआ यूज कर रहा है। तो मिर्चा का पाउडर भी अपना डाल दिया गया, और अभी जो है हल्दी पाउडर जा रहा है, ये तो मार्केट का होगा। तो यहाँ पे जो है बैक टू बैक अपना सारा मसाला का पाउडर चला गया है, अभी और कुछ मसाला पड़ना बाकी है भैया? मसाला पाउडर हो गया। ओके, तो अभी आगे का प्रोसेस क्या है, इसको ऐसे ही दे के भुनेंगे? कितना टाइम लगेगा, कितने देर तक इसको अभी भुनेंगे ऐसे? लगभग 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा तक अभी ऐसे भुनाएगा? हाँ। मतलब कि जो है मटन का पूरा रस निचोड़ लेंगे है ना? बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जब तक जो है अपना उधर मसाला वगैरह भुनता है, तब तक जो है भैया से थोड़ा बहुत जो इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आपका शुभ नाम क्या हो वो बताइएगा। किशोर करके। ओके, तो आपका ये होटल का नाम थोड़ा सा मेरे को यूनिक लगा, मतलब थोड़ा सा अलग हटके, तो नाम के पीछे कारण क्या है? कारण क्या था कि जो मेरा फादर है, अच्छा, उनका नाम से चल रहा था।
अच्छा का नाम है। अच्छा तो ये जो बहिरा होटल है उन्हीं के नाम पे है। हाँ। अच्छा है, थोड़ा अलग हट के नाम है। कितना साल पुराना वैसे होटल है आपका? हो गया है 6 साल पहले। 6 साल? हाँ, लॉकडाउन से पहले से। लॉकडाउन के पहले से। आपको जो है भैया मटन बनाने का एक्सपीरियंस कितने टाइम का, मतलब ऐसे? हो गया मेरा 3 साल। अच्छा, पापा के साथ ही नहीं थे। अच्छा, मतलब पापा के साथ में आप करते थे आइडिया उसी टाइम से। बहुत बढ़िया। तो टाइमिंग वगैरह क्या भैया, किसी को अगर मटन खाना हो तो कितने बजे जो है यहाँ पे आ जाएगा तो मिलने लगेगा? लगभग लगभग 8:30-8:30 के बीच में। 8-9 के बीच में रेडी कर देते हैं। हाँ, हो जाता तो सब कुछ। बहुत बढ़िया। और सप्ताह में कोई बंदी वगैरह भी रख रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, कोई बंदी नहीं है। ओके, और मटन चावल का रेट क्या है, कितने में खिलाते हैं मटन चावल आप? 2 पीस मटन और 1 प्लेट चावल 120 रुपये। 120 रुपये। और बाकी उसके साथ जो चटनी पापड़ सलाद वगैरह मिलता ही है। एक्स्ट्रा मटन का क्या रेट लगता है फिर? एक्स्ट्रा मटन का 50 रुपया है। 50 रुपया लगता है ना एक पीस का 50 रुपया। चलिए बढ़िया। तो भाई यहाँ पे जानकारी वगैरह जो है लेना था अपने को, सारा ले लिया अपने। और भैया एक बार जो है एड्रेस समझा दीजिए यहाँ का, कि अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो कैसे पहुँचेगा? तो एड्रेस राखू का ठिकान, ठीक है, शिव मंदिर। हाँ, शिव मंदिर के पास। हाँ। और आपका बड़ा सा बोर्ड बाहर लगा रहता ही है। हाँ। तो गाइस यहाँ पे जो है अपना ढक्कन एक बार फिर से हटा लिया गया, और ढक्कन हटा के फिर से जो है इसको एक बार चला लिया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस जो है ना आपका कंटिन्यू चलना है जब तक जो है मटन से निकला हुआ सारा पानी सूख ना जाए, जो मसाला का पाउडर वगैरह यूज हुआ है उसका जो है अच्छे से भुन ना जाए, उसका एक बढ़िया सा फ्लेवर ना निकल जाए। तो भाई यहाँ पे जो है अभी मसाला भुनते भुनते काफ़ी टाइम हो चला है, और अपना जो भी मटन के अंदर पानी वगैरह था मटन का और प्याज का वो सब सूख चुका है। तो भाई एक बार थोड़ा सा डब्बू में दिखाई ना मसाला किस तरह का सूखा है, या छोलने में भी उठा के तो ये चेक करो भाई जी। ये देखो यार, मतलब पूरा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, पानी जो इसमें था एक्स्ट्रा वो भी सूख चुका है ना। तो अभी और कितना टाइम लगेगा भाई इसको बनने में? आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा भी और लगना है। मटन मतलब हल्का अभी टाइट ही होगा ना इसका मतलब। तो ये चेक करो अभी फिर से जो है एक बार हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं मटन वगैरह का रंगत वगैरह। तो ये देखो मटन का जो पीस पूरा एकदम अच्छे से मसाला भुन चुका है। और ये जो है ना मतलब कि इतने तेज आंच में खाना पकाना समझो कि एक तरह से रिस्क है, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटका तो पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। तो भैया जो है एकदम चूल्हे से चिपक के है समझो एक तरह से, और तब से जो है ना लगातार चलाए जा रहे। तो इस साइड पे जो है अपना मटन का जो है प्रोसेस चल ही रहा है, और इस साइड पे हम आपको दिखाएंगे तो मटन के ऊपर जो पड़ा जाता है, मतलब आप मटन का काजू बोल सकते हो इसको, ये है मटन फैट। तो अभी जो है इसके ऊपर मटन का फैट भी डाल दिया गया, बस अभी जो इसी तरह से इसको भुना जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक बार फिर से जो है ढक्कन हटा लिया गया, और अब जो है फाइनल इंग्रेडिएंट डालने का टाइम आ चला है। तो ये चेक करो भैया के हाथ में है मसाले का डिब्बा, और मसाला जो है वो है आपका मीट का मसाला। तो अभी जो है फाइनल इंग्रेडिएंट जो है इसमें डल चुका है मीट का मसाला। अभी तो और कुछ नहीं जाना, सब डन। चलिए तो अब जो है आपको डायरेक्ट हम दिखाते हैं जब हमारा मटन बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद। सो गाइस फाइनली जो है अपना मटन बन के रेडी हो चुका है, अपना इंतजार खत्म हो चुका है। और आप ये चेक करो मटन का रंगत वगैरह बिल्कुल नेचुरल कलर है, और बिल्कुल घर के तरीके से बनाया हुआ मटन। तो एक बार भैया से बोलेंगे, भैया थोड़ा चला के दिखाइए ना, ग्रेवी वगैरह चेक कराइए थोड़ा, ये चेक करो। ये देखो गाइज, मतलब मटन का साइज देखो आप, काफ़ी बढ़िया साइज का मटन वगैरह भी है, और ग्रेवी वगैरह एक बार जो है देखो काफ़ी अच्छा सा कलर। थोड़ा सा ग्रेवी उठाई दे, ये देखिए आप ग्रेवी भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी, और अभी गर्म है, थोड़ा और अगर ठंडा होता है तो और ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये जो है मटन का फैट वगैरह भी चारों तरफ आपको इसमें दिखेगा, खुशबू बहुत ही जानदार आ रहा है। बिना लेट के फटाक से लगवाते हैं अपना खाना, करते हैं टेस्ट और बताते हैं कैसा जायका है यहाँ का। अभी जो है टाइम आ चला है अपना फीडबैक लेने का, और यहाँ पे जो है भैया हमारे आ चुके हैं यहाँ का मटन ट्राई करने के लिए, और भैया जो है यहाँ के फर्स्ट कस्टमर है। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, शुभ नाम क्या हुआ आपका? अमित कुमार। और कहाँ के आप रहने वाले हैं? यही का है, लोकल है। हाँ, लोकल है। अच्छा, तो भैया मटन चावल वगैरह क्या फर्स्ट टाइम यहाँ पे खा रहे हैं कि पहले भी आप खाए हुए यहाँ का मटन? पहले से खा रहे हैं। अच्छा, स्वाद कैसा लगता है आपको यहाँ का खाने का? बढ़िया है, मटन मटन बढ़िया लगता है। हाँ, एक नंबर है। और यहाँ पे जो है आप एकदम लगता है स्पेशल डिमांड से बिना ग्रेवी वाला सूखा सूखा लिए है ना, तो इसके लिए जो है सवेरे आना पड़ेगा तभी मिल पाएगा, है ना? इतना कलर आइएगा तभी मिलेगा। बहुत अच्छा। तो हमारे जो वीडियोज वगैरह देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, आगे यहाँ ट्राई करना चाहिए मटन चावल यहाँ का? एकदम एक लाइक करना चाहिए, है ना? चलिए थैंक यू सो मच भैया टाइम देने के लिए, एंजॉय कीजिए आप अपना खाना।
सो गाइस फाइनली जो है अपना खाना हमारे पास आके लग चुका है और काफ़ी देर हमने इसके लिए इंतजार किया और काफ़ी मेहनत से इसको बनाया भी गया और हमारे को खाना बिल्कुल एकदम देसी अंदाज में, मतलब कि जैसे अपना खाना देसी तरीके से बना है, मिला भी हमको ठीक उसी तरीके से। सखुए के पत्ते पे चावल और सखुए के पत्ते पे हमारे को मटन वगैरह मिला है, तो मटन जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है, तो एक बार जो है हम भी आपको इन सब का नज़ारा दिलवाते हैं। तो गाइस ये चेक करो, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मटन, और मटन का पीस जो है ना काफ़ी शानदार सा लग रहा है। दो पीस हमारे को मिला है, पहला तो आपका और हमारा फेवरेट नल्ली वाला पीस, और दूसरा पीस हमारे को मिला है जिसमें सिर्फ मीट है, साथ में एक छोटा टुकड़ा अपने को चर्बी का भी मिला है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इसका जो है अब टाइम आ चला है चेक करने का कि मटन जो है अपना किस हिसाब से गला हुआ है। तो ये चेक करो, सबसे पहले हमने मीट वाला एक पीस उठाया है, तो ये देखो चेक करते हैं किस हिसाब से पका है मटन। हाँ, मटन जो है पका हुआ परफेक्ट बोल सकते हो, थोड़ा सा स्टिफ है, और एक्चुअल में क्या है अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सारा दिन जो है मटन अपना आग पे ही चढ़ के रहता है, तो आप जब तक आओगे ना थोड़े लेट करके तो आपको पूरा एकदम जो है गला हुआ मटन मिलेगा। बट हमारे को सच्ची बताओ ना, मज़ा खाने में इसी तरह का मटन का है, मतलब कि थोड़ा सा खींचना पड़े, थोड़ा सा चबाना पड़े, और ये देख रहे हो मटन रंगत, मतलब कि जो ये रेसा रेसा निकल रहा है ना, ये सब जो है पहचान होता है कि नहीं मटन जो है अच्छे क्वालिटी का है। ये चेक करो, काफ़ी अच्छा सा मटन। तो फटाक से जो है अब टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी जो है एज यूजुअल जैसे हम ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, तो सबसे पहले जो है ग्रेवी के साथ अपना स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि भाई बिना चावल के अगर ग्रेवी का स्वाद लेते हैं ना तो पता चलता है असली जायका इसका। तो ग्रेवी तो हमने टेस्ट कर लिया, और टेस्ट की बात करें तो हल्का सा तीखा है, और मतलब कि सबसे पहले ग्रेवी में ना अदरक लहसुन जो कूच के पड़ा हुआ था ना उसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ रहा है, इवन वो आपके मुंह में भी आएगा। ठीक है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट मेरे ख्याल से लगता है चावल के साथ खाएंगे तो वो चीज़ मेंटेन हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। टेस्ट बिल्कुल एकदम टिपिकल गाँव वाला, देसी वाला, घर वाला स्वाद है। तो अब जो है इसको चावल के साथ एक बार ट्राई करते हैं। तो ये गया हमारा ग्रेवी, ग्रेवी डालने के बाद इसको करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स, और यहाँ पे हमारा पहला बाइट रेडी हो चुका है। कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया गया है, लाइक आपका काश्मीरी कलर वगैरह के लिए। तो तीखा का जो है आपका लेवल ना, वो सारा हरा मिर्च यूज किया गया उसका है, चावल के साथ भी हल्का तीखा पता चल रहा है, तीखा है। और मैं अपनी बात करूँ तो इस तरह का तीखा लेवल मेरे को मज़ा आता है खाने में, क्योंकि थोड़ा तीखा हो तो ही अच्छा लगता है। मेरे को चटनी का बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि टेस्ट कैसा होता है चटनी का। मस्त बढ़िया लग रहा है, चटनी अच्छा है इनका। अब जो है मटन के साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं। आप लोगों के कमेंट भी आएंगे कि भाई दोनों हाथ से मत खाया करो, बट एक्चुअल में क्या है टेबल अपना छोटा सा है, दोनों हाथ नहीं लगाएंगे तो गिरने का डर है। देखिए मटन जैसा कि बताया मैंने आपको, थोड़ा चुई है, तो मसालों को जो है लकड़ी के चूल्हे पे काफ़ी बढ़िया से भुना गया, काफ़ी देर तक भुना गया, तो मसाला जो है एकदम खर, साथ में लकड़ी पे बनने के कारण इसका एक सोंधापन जो है अपना वो भी काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है इसमें। मटन फैट जो है ना पीस बड़ा था जिसके कारण अभी अच्छे तरीके से गला नहीं है, तो ये जब पूरा गल जाता है ना तभी इसको खाने में मज़ा है। ये अभी हम छू रहे तो पता है कैसा बटर बटर टाइप लग रहा है, तो इसको अभी हम नहीं खाएंगे, अभी इच्छा नहीं कर रहा बटर बटर टाइप का, थोड़ा गला रहता और तो ट्राई करते। एक और बाइट लेते हैं, बचपन याद कराने वाला चीज। अभी तो हमारी उंगली बड़ी हो चुकी है तो नहीं आएगा, वैसे ऐसे ही ट्राई करता।
आपको यहाँ चावल का वैरायटी भी मिलता है, दो तरह का चावल है। अगर आप पतला चावल खाना चाहते हो तो पतला भी मिलेगा, उसके लिए आपको बस 10 रुपया मात्र एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये अपना नल्ली वाला पीस जिसको हम यूजुअली राइफल भी बोलते हैं, आधा राइफल खाली दिख रहा है, बाकी देखते हैं क्या है इसके अंदर। थोड़ा तो और गला रहता तो खाने में ज्यादा मजा आता। माल है पूरा खाली। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या, सिंपल वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे खाने पीने से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं कल कुछ कहीं और नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।